नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सुमित और स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेसरी के बारे में, जो कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तब भी, पुरानी गाड़ी है तब भी, लेकिन अगर आप गाड़ी जैसे शोरूम से डिलीवरी लेने जाने वाले हैं या आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तब तो इस वाली वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी, लास्ट में आप खुद बोलोगे। सो दोस्तों, इस वाली गाड़ी को मैंने 2019 में लिया था। इससे पहले तक हमारे ख़ानदान में कार का नामो निशान नहीं था। हमारे यहाँ पहली गाड़ी थी फैमिली में, और इससे पहले थी गाड़ी लेकिन वो कुछ उस तरीके की पिकअप ट्रक थी। सो वो और ये काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ है। सो इस वाली गाड़ी को लेते समय ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था कि कार में किस तरीके की एसेसरी ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके की नहीं है। तो उस समय शोरूम वाले जो भी एसेसरी दे रहे थे, मैंने साफ उन्हें मना कर दिया था, भाई नहीं चाहिए, रख लो तुम्हारी एसेसरी। तो उस समय कुछ भी एसेसरी नहीं ली, सोचा आफ्टर मार्केट लगवा लेंगे, ये लोग काफ़ी ज़्यादा लूटते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगी देते हैं। लेकिन बाद में जब मैं इस गाड़ी को ले आया तो एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई वो थी कि भाई मुझे मैटिंग डलवा लेनी चाहिए थी। मैटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो ब्लैक कलर का कारपेट है, ये अभी भी इसमें धूल जमी हुई है, जबकि इस पर मैटिंग डली हुई है। ये कारपेट में मैं गाड़ी को ले आया और दो तीन चार दिन भी नहीं रखी होगी गाड़ी को कि एकदम गाड़ी में धूल ही धूल, कीचड़ ही कीचड़, ऐसा लगता था कि भाई कीचड़ में बिल्कुल तैर रहे हों, मतलब कि ज़्यादा बोल दिया। लेकिन बहुत सारी धूल जो है काफ़ी ज़्यादा ये चिपकाता है, ये खींचता है इस वाली धूल को, और फिर उसे वैक्यूम क्लीनर से और सीट वीट खोल के काफ़ी ज़्यादा साफ़ करवाना पड़ता है, और फिर बेकार सा, मतलब नई नई गाड़ी आए और खुल जाए, अच्छा नहीं लगता। सो उसके लिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी गाड़ी में जो मैटिंग्स हैं वो ज़रूर डलवा लें शुरुआत से ही, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। इस वाले कारपेट का यूज़ मत करें। मैटिंग्स कैसी लेना चाहिए उसके बारे में मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मार्केट में 7D, 13D, 10D, फलाना डी, ढिकाना डी, बहुत तरीके की मैटिंग्स भरी पड़ी हैं। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन इस वाली वीडियो में नहीं करने वाला। तो आप देख सकते हैं ये जो मैटिंग है, एक इस तरीके की मैटिंग है जो कि एकदम घटिया है, और एक मैटिंग है ये जो मैंने अपनी गाड़ी में लगाई हुई है। मैं भी इसे भी आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की मैटिंग है, तो आपको जो मैटिंग लेनी है उसमें पहली चीज़ तो आप ध्यान रखें कि कुछ इस तरीके की कपड़े की ना हो जो कि धूल वगैरह एकदम चिपका है, और ये तो एकदम बोरा का बोरा लग रहा है। आप जब मैटिंग ले तो ऐसी ले जो धूल को तो मतलब एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन इस तरीके से जब झाड़े ना तो बहुत ईजीली निकल जाए। दूसरी चीज़ मैटिंग में ये होनी चाहिए कि जो धूल के कण हैं इस वाली मैटिंग की तरह आर पार ना जा पाएँ। इसमें पीछे की तरफ प्लास्टिक की इस तरीके की कोटिंग होनी चाहिए जो कि आपके कारपेट को प्रोटेक्ट करके रखे। तीसरी क्वालिटी जो आपको मैटिंग में होनी चाहिए वो कि इसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक लचीला सा हो, मुलायम सा हो। मतलब मुलायम से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही लुलू पुलू सा हो, हर कहीं एकदम ऐसे घूम जाए, लेकिन ये वाली चीज़ काम एक्चुअली कहाँ आती है कि पीछे आइट साइड में तो आप चला लें, लेकिन ड्राइविंग सीट में पर्सनली जब एस्केलेटर के पास कुछ इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस तरीके से जब ये मैटिंग्स लगती है ना, तो जो मैटिंग कड़क वाली होती है वो क्या करती है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से मुड़ने लगती है धीरे धीरे। तो उस तरफ मुड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं पैसेंजर सीट के, मतलब कि वहाँ पे तो किसी को पैर वैर लगाना नहीं है, वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या करती है ये वाली मैटिंग, मुड़ मुड़ के ये जो एस्केलेटर दिख रहा है पेडल, इसके ऊपर चली जाती है, और कई बार मतलब कि ड्राइवर को कन्फ्यूज़ करती है, परेशान करती है, और बहुत सारी एक्सीडेंट्स का कारण ये वाली मैटिंग बनी है। सो इस तरीके की मैटिंग आप ना लें जो कि आपको कड़क हो और थोड़ी सी यहाँ से मुड़े, थोड़ी सी नरम मुलायम और इस तरीके की मैटिंग लें। ये वाली मैटिंग मैंने 1500 रुपये की ली थी, सस्ती थी, कोई ज़्यादा डी वाली मैटिंग मैंने लगवाई नहीं है इस गाड़ी में। सो ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने आपको चीज़ें बताई जो आपके बहुत काम आने वाली है, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलूँगा मैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।